यहाँ पे मैंने क्ले ले लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया है साथ में, अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि उसमें जब हम फोल्ड करें तो वो टूटे ना। तो हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी क्ले लेके इसको पतली पतली ऐसे लड़ियाँ सी बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा ग्लू लगाए, मेरे पास नीले रंग का फट्टा था तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए यही यूज़ किया है। फ्रेम पे कोई कलर नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं लड़ियों को गोल गोल घुमाते घुमाते हाथ से हल्का हल्का प्रेस करना है, नहीं तो उसमें उंगलियों के निशान आ जाएंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा, जहाँ पे ख़त्म हो जाए बस वहीं पे दूसरी लेके जोड़ के शुरू करते रहना है। डिज़ाइन आपके हिसाब से है कि आपको कहाँ कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, ये आपके हिसाब से है। तो मैंने यहाँ पे ये रिंग बना दी है, पूरे एक स्पाइरल बना दी है। अब मैं साइड साइड में कैसे आएगा वो दिखा रही हूँ, कैसे हमने थोड़ा सा लगाया, फिर जो एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है इसे काट दिया, फिर उसके ऊपर लगाना है। एक तरीके से हमें स्पाइरल दिखाना है तो इसीलिए ऐसा कर रहा है। ये काट दिया, अब ऐसे ही जितना भी एक्स्ट्रा होगा काटते जाएंगे। इससे क्या होगा, एकदम शेप परफेक्ट आएगी। ग्लू अच्छे से लगाएं तो फिर वो अच्छे से चिपकेगा। सेम यहाँ पे स्पाइरल से शुरू करते हुए जितना स्पाइरल आ पा रहे उतना, फिर उसके बाद जो होगा वो एक्स्ट्रा आप लगाते जाएं और उसको काटते जाएं। अब जैसे यहाँ पे ये ख़त्म हो गया तो मैं साइड साइड में लगाऊंगी बस उतनी शेपिंग देने के लिए, जो एक्स्ट्रा होगा काट दूंगी। अब यहाँ पे काटती है एक्स्ट्रा जो भी आया और अच्छे से शेपिंग देती है। इसमें अब कलर फिल करना है तो मैंने यहाँ पे येलो से शुरू किया है। आपको पहले क्या करना है, पूरा एक बार नीले से पेंट कर देना है, फिर उसके ऊपर ये येलो रेड ब्लू ऐसे पेंट करना है। पहले आपको ये सफ़ेद पे पूरा वाइट ब्लू से पेंट कर देना है और साइड साइड में टेप लगा लेंगे जिससे कि पेंट फैले ना, बाहर की तरफ ना जाए और परफेक्ट आए, अच्छे से आए। एज पे हमें टेप ज़रूर लगानी है जिससे कि अच्छे से परफेक्ट आए।